एक शायर ने कहा था कि लोग कहते हैं बदलता है जमाना अक्सर, और मर्द वो है जो जमाने को बदल देते हैं। आज हम इस सभा के माध्यम से पूरे प्रदेश में और पूरे देश में ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर काम कोई काम करे तो वो प्रतिफलित जरूर होता है। वादे और नारे प्रतिफलित नहीं होते। माननीय मोदी जी वो शख्सियत हैं जिसने हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली है, और आप याद करिए 1912 का युग, 2012 का या 2010 का, कि हम उत्तर प्रदेश में कितने सांसद दे पाते थे, कितने विधायक चुना पाते थे, लेकिन मोदी जी जो एक गुजरात के छोटे से प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और सन 2000 में मुख्यमंत्री के रूप में उनको पार्टी हाईकमान ने मुख्यमंत्री बनाकर भेजा, और 2012 तक उन्होंने चुनाव में न केवल सफलता प्राप्त की बल्कि गुजरात को एक मॉडल स्टेट के रूप में प्रस्तुत किया, और एक ऐसा मॉडल स्टेट गुजरात के किए हुए कामों के प्रतिफलन स्वरूप पार्टी हाईकमान ने पहले चुनाव प्रचार समिति का उनको अध्यक्ष बनाया, और 2013 में पार्टी के प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बना दिया। जिस पार्टी को यद्यपि हमारी पार्टी '51 में बनी थी जनसंघ के रूप में, लेकिन 1985 में एक ऐसा कालखंड आया कि जब हमारा प्रभाव क्षेत्र सांसद और विधायकों के रूप में बहुत कम हो गया और मात्र लोकसभा में 200 सदस्य जीते थे, और उनके निर्णयों का ये परिणाम है कि आज हम 18 राज्यों यह तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और या फिर हम वहां पर साझेदार के रूप में सरकार चला रहे। अभी आपने राष्ट्रपति जी के चुनाव में एनडीए के विधायकों की और सांसदों की जो वैल्यू वोट है उसको देखा होगा कि अकेले एनडीए इस बात के लिए सबसे बड़ा दल तो है ही, लेकिन हम राष्ट्रपति के चुनाव में पूरे देश में बहुमत से थोड़ा ही कम है। अगर मात्र एक राज्य का समर्थन हमको थोड़ा सा मिल जाए तो हम अपने बल पर अपने राष्ट्रपति को बना पाए। क्या कहते थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी, कि 1% और 3% लोग हो तो हम देश की किस्मत को बदल सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। लेकिन गुजरात का 13 साल का कार्यकाल, गुजरात के 13 साल का प्रशासनिक अनुभव, गुजरात के 13 साल के विकास कार्यों ने इस देश की जनता इतनी प्रभावित हुई कि जनता के दबाव में हमारे नेतृत्व वर्ग ने मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया था।
ये बात भूलना नहीं चाहिए। और जो भी लोग राजनीतिक क्षेत्र में समर्पण भाव से कार्य करते हैं, जनता न भूलती है न माफ करती है, जनता उसी हिसाब से उसको नवाजती भी है। एक रोल मॉडल के रूप में, एक ऐसे रोल मॉडल जिसने केवल अपनी हिंदुस्तान में ही छाप नहीं छोड़ी, आज पूरी दुनिया उनके नेतृत्व का लोहा मानती है। आपको मालूम है कि कभी रशिया के सामने हम अपनी मदद की गुहार करते थे, बरसों तक हमारी ये स्थिति थी कि हम रशिया से हर प्रकार की मदद देते थे, लेकिन आज रशिया और यूक्रेन का जब युद्ध होता है तो अमेरिका कहता है कि भारत ही इसकी मध्यस्थता कर सकता है और भारत ही इस झगड़े को इजाद कर रहा है। ये अमेरिका कहता है जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। इससे हमारी पावर का अंदाजा होना चाहिए। जो भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, जो भारत कभी विश्व गुरु के रूप में जिसका सम्मान था, आज उसी भारत को वही दिशा मिलने जा रही है जिसको नोस्ट्राडामस ने आज से 400 वर्ष पहले जिसकी भविष्यवाणी की थी। नोस्ट्राडामस एक फ्रेंच राइटर हुआ, उसकी किताबें आपने ए मैन हू सा टुमारो करके बहुत देखी पढ़ी और सुनी होंगी। उन्होंने लिखा था कि समुन्दर के प्रदेश का एक व्यक्ति हिंदुस्तान पर बरसों राज करे, इक्कीसवीं सदी में अगर उनकी भविष्यवाणी से माननीय मोदी जी को मिलाया जाए या उसी चश्मे से देखा जाए तो बहुत सी बातें सही उतरती हुई दिखाई पड़ती है। अंग्रेजी की एक सूक्ति है कि सच ए मैन कम्स टू ए नेशन इन मैनी सेंचुरीज, ऐसा व्यक्ति कई सौ वर्षों में पैदा होता है। आज मुझे फक्र है और इस देश की जनता को भी गर्व है कि ऐसा नेतृत्व हमको मिला है जिसने हिंदुस्तान के संसाधनों पर जिस दिन शपथ ली थी 26 मई 2014 की, और संसद को अपना माथा स्पर्श करके संसद की चौखट को स्पर्श किया था अपना माथा, और उस दिन पहले बार उन्होंने संसदीय दल की बैठक में आदरणीय महेश शर्मा जी उस बैठक में मौजूद थे, पहली बार के सांसद थे, उस दिन कहा था कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित रहेगी। आपको याद है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने कहा था कि हमारे संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग का है। हमारे तभी लोगों ने इस बात को कंट्राडिक्ट करके कहा था कि नहीं, गडकरी जी ने सार्वजनिक रूप से एक बात बयान दिया, हमारा संपूर्ण नेतृत्व वर्ग ने कहा था कि नहीं, हमारे संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का, यह हमारा वैचारिक अधिष्ठान है। और अंत्योदय की कल्पना आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने आज नहीं की थी, जिस दिन से जनसंघ का जन्म हुआ उसी दिन से इस बात की कल्पना की थी कि जब हम कोई कानून बनाए तो समाज की अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात को हम जरूर विजुलाइज करें। उसके चेहरे पर मुस्कान लाना, उसको खुशहाल देखना, उसको बुनियादी जरूरतों से युक्त कराना, आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था जिसको साकार किया है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। तो अपने वैचारिक अधिष्ठान का पालन करते हुए, उसको आत्मसात करते हुए और अपनी हर योजना को उसी के अनुरूप ढालते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने
आज उस वर्ग को खास तौर से बुनियादी सुविधाएं देने की कोशिश की है जो सदा वंचित रहा, शोषित रहा, पीड़ित रहा, और हिंदुस्तान की आजादी तो मिली लेकिन आर्थिक आजादी उसको नहीं मिली 2014 से। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थोड़े से कार्यकाल के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई लेकिन समय कम था, 24 पार्टियों की सरकार थी। रोज प्रधानमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मोहर लगाकर मौका दिया तो उन्होंने बिना एक भी दिन वेस्ट नहीं किया, बिना रुके, बिना थके हिंदुस्तान की जो सम्मान था दुनिया में उसको वापस लौटाने के साथ अपने वैचारिक अधिष्ठान को आगे बढ़ाया। और ये उसी का परिणाम है कि जिन घरों ने आजादी के 65 साल 70 साल तक अपने घर में एक बल्ब की रोशनी नहीं देखी थी, जिसने ठीक से दो वक्त का रोटी देखी नहीं थी, जिन लोगों ने अपने घर में जिंदगी भर लकड़ी का धुआं, अपने माँ बाप को किसी न किसी रूप में लकड़ी की रोटी खाने के लिए विवश किया था और हमारी माओ को उस धुएं से आत्मसात होते हुए देखा, वो लोग जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। वो किसान जो छोटी जोत का किसान था, हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं कर पाए, हम बुनियादी जरूरतें ठीक नहीं कर पाए और उसी का ये नतीजा है कि हमारी और जापान की स्थिति लगभग एक से 30-45 में जापान सेकंड वर्ल्ड वार में बर्बाद होने के बाद दोबारा उठा और हम 47 में आजाद हुए थे लेकिन हम अर्ध विकसित देश रह गए और जापान हमसे कच्चा माल आज खरीद कर, आयरन लोहा हमसे कच्चा माल खरीद कर आज वर्ल्ड मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स के माध्यम से कंपटीट करता है। केवल गलत नेतृत्व के, गलत हाथों में नेतृत्व होने के कारण पूरे देश के 125 करोड़ लोगों को यह सजा भुगतनी पड़ रही है। सौभाग्य योजना हो चाहे उज्ज्वला योजना हो, गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, जितनी भी योजनाएं थी वो सारी की सारी गरीबों को फोकस करने वाली थी, इससे आम गरीब लाभान्वित हो सकता था। सत्ता पहले भी लोगों के पास रही, पहले सिलेक्टेड लोगों को सुविधा दी जाती थी। जिंदगी भर कांग्रेस की पिछली सरकार थी, 30,000 रुपए का केवल इलाज का कार्ड मिलता था, 30,000 रुपए। क्या कोई हार्ट की बीमारी, कोई लीवर या कोई किडनी की बीमारी या कोई कैंसर 30,000 रुपए में ठीक हो सकता है आज की इस दुनिया में? मोदी जी सत्ता में आए, 5,00,000 रुपए तक का परिवार के व्यक्ति को 1 साल के लिए 5,00,000 रुपए तक का बीमा कवर किया 1 साल। आप मुझे कहते हुए खुशी है, आज मैं आंकड़ा ले रहा था, नोएडा के क्षेत्र में 20,850 लोगों को, 20,850 लोगों को आयुष्मान कार्ड की सुविधा के तहत 5,00,000 रुपए का इलाज मिला है, केवल नोएडा में इलाज मिला है नोएडा। अगर मोदी जी न होते, आपने अपने वोट के माध्यम से उन्हें प्रधानमंत्री न बनाया होता तो इसमें न मालूम कितने लोग तो स्वर्ग सिधार गए होते, और जो लोग बचते भी उनकी जमीन जायदाद देवर मकान दुकान सब कुछ गिरवी पड़ा हो गया। क्या खाली सत्ता परिवर्तन हुआ, लोगों की सोच बदली, लोगों का विश्वास बढ़ा है? सरकारी तंत्र पर लोग विश्वास नहीं करते थे लेकिन आज मोदी पर इतना लोग विश्वास करते हैं जितना अपने गार्जियन अपने घर वाले पर विश्वास नहीं करते। लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन, ये एक दिन में नहीं बना। नेता की सबसे बड़ी पूंजी होती है उसकी विश्वसनीयता, कि जो वो कहेगा वो करेगा, चाहे जमीन आसमान एक करना पड़े। अगर उसके मुंह से निकला है तो वो होगा जरूर। और याद करिए,
कि मोदी ने जो कुछ भी कहा था, जो कुछ भी पब्लिकली जिस बात की घोषणा की, उसको जमीन पर उतार। और जब 36 इंच और 56 इंच के सीने की बात हुई थी तो लोग मजाक बनाते थे, लेकिन पाकिस्तान ने जिस समय अपनी कारगुजारी जारी रखी उसको उसी की भाषा में जवाब दिया, उसी की भाषा में। हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद हमारे सेना के जवानों के कारनामों के ऊपर लोगों ने प्रश्न चिन्ह उठाया, एक गलत कार्य किया। आप मालूम है कि सेना के लोग जो भर्ती होते हैं तो क्या मानसिकता लेकर भर्ती होते हैं? कारगिल और दासना जैसे क्षेत्रों में अगर आप -40 डिग्री टेम्परेचर, जहां पर अगर आप हाथ में टूथपेस्ट रखें और 10-5 सेकंड की देर हो जाती है तो टूथपेस्ट जम जाता है, टूथपेस्ट कर नहीं सकते। इतनी कठिन परिस्थिति में जो लोग हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं उनके पौरुष और उनके सम्मान के खिलाफ बयान देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को तो अपना जो देश के लिए संकल्प लिया है उस यात्रा में बिना किसी बाधा के उन्हें आगे बढ़ रहा है। आपको मालूम है कि हम लोग अपनी दिवाली और होली की छुट्टी कैसे मनाते हैं, क्या मनाने का तरीका है, लेकिन प्रधानमंत्री सीमाओं पर रक्षा करने वाले उन लोगों के बीच जो महीनों सालों अपने घर के परिवार के लोगों को देख नहीं पाते, महीनों उनका मनोबल उठाने के लिए, उनका मनोबल ऊंचा करने के लिए उनके साथ दिवाली और होली मनाने जाते हैं। छोटी बात नहीं है, कह देना आसान है, दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान है, व्यवहारिक रूप से इसको व्यवहारिक रूप देना बहुत मुश्किल। एक एक चीज अगर इस 8 साल के पीरियड में देखा जाए, पूछे कि उसे कितने दिन उन्होंने छुट्टी में काटे, कितने दिन बर्बाद किए, तो शायद एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, भले ही वैचारिक रूप से विरोधी हो, भले ही, लेकिन उनकी इस सदाशयता के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। हिंदुस्तान के सामने जो समस्याएं थी, जिसको लोग देख कर कहते थे कि यह पहाड़ बराबर समस्या, ये कैसे हल होगी, उसको दूसरी बार सत्ता में आने के बाद मोदी जी के ऊपर जो दूसरी बार लोगों ने विश्वास व्यक्त किया, उसके बाद सत्ता में आने के बाद पहले पार्लियामेंट के सेशन में धारा 370 समाप्त हो गई, कश्मीर को मुख्य धारा में जोड़ दिया, जिसके लिए कहा जाता था ये खून की नदियां बहें। आज कश्मीर का नौजवान भी भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता है। हिंदुस्तान का जो कानून यहां पास होता है बालकपन संसद में, अब कश्मीर की विधानसभा में अलग से कानून पास होने की जरूरत नहीं। पहले ये होता था कि वही कानून कश्मीर में लागू होता था जो हिंदुस्तान की संसद में पास होने के बाद कश्मीर की विधानसभा उसको पास कर दे तभी होगा, वरना नहीं होता। कश्मीर में आप जाकर जमीन खरीद नहीं सकते, ये हमारे पूर्व के नेतृत्व ने, कांग्रेस के नेतृत्व ने दिया।